बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की खिदमत पर एक और अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो यहाँ पर जो सिलसिला था जहांगीर रोड पर नाले के अतराफ, जो कि एक मुहिम का आगाज किया गया है, जिस पर जितने भी नाले हैं उनके ऊपर जितने भी तजावुजात हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है। उसके साथ नाले के जो ब्लॉकेज का मसला है, जिस पर बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना आवाम को करना पड़ता है, जिस पर यहाँ पर अब काम को सरे अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद मशीनें लगाई गई हैं काम करने के लिए, और दो तीन मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि मज़ीद हम आगे चलते हैं जहांगीर रोड पर। और पूरे जहांगीर रोड का जो अपडेट है आपको फराहम करते हैं, रेड राइट साइड पर अगर आप देखें तो जितने भी अतराफ नाले के ऊपर जो कुछ भी था उसको तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन लेफ्ट साइड पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो हमने कहा था कि जितने भी इसके ऊपर नाले के ऊपर जो जो तजावुजात मौजूद है उन सबको हटाया जाएगा बाकायदा तौर पर और नाले को बहाल किया जाएगा। यहाँ से मुकम्मल दोनों अतराफ पहले मरहले में जो नाले का काम है उसको किया जा रहा है, सेवरी सिस्टम का निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है। ये पहले मरहले का काम है। जहांगीर रोड पर बड़ी परेशानी थी यहाँ से गुजरने में, जब यहाँ से रोडों पर से गुजरते थे तो काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, जिसके बाइक आने और जाने वाले आवाम को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अभी आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि एक मशीन यहाँ पर काम कर रही है, बाकायदा दुकानों के सामने से जो नाला है उस पर लोगों ने दुकानों में कपड़ा, दुकानों के जितने भी सामान होता था वो मुकम्मल बाहर की तरफ निकाल के रखते थे, जिसके बाद इन इलाकों में काम नहीं होता था। लेकिन अब कराची में दीगर जगहों पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है, जगह जगह पर मशीनें लगी हुई हैं, एक मशीन यहाँ पर भी लगी है। अब मैं आपको राइट साइड वाला रोड दिखाता हूँ कि रोड की क्या कंडीशन है। तो कायदा यहाँ पर लाइनें भी रख दी गई हैं और अब हम आपको दूसरा रोड दिखाते हैं। रोड की आप कंडीशन देख सकते हैं कितनी ख़राब है। अब यहाँ पर जो काम है
को बाकायदगी के साथ किया जाएगा। तरक्याती काम को सरे अंजाम पहुँचाने के लिए यहाँ पर टीमें अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर जितने भी शॉप के जो सामान हुआ करता था वो इस नाले के ऊपर हुआ करता था, जिसके पास इदारों को अपना काम करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद बारिश में जैसा मैंने कहा यहाँ के आवाम को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद अब यहाँ पर देखें गटर के ढक्कन भी नहीं है। आम को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना है ट्रैफिक की रवानगी में, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर आम को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अभी भी लोगों ने सामान जो है रखा हुआ है, क्या करें मजबूर हैं लोग भी, छोटी छोटी दुकानें होती हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो किया जाता है। बहरहाल यहाँ तक हमारे पास छोटी सी अपडेट थी जहांगीर रोड के हवाले से। अब इंशाल्लाह ताला जहांगीर रोड को भी बाकायदगी के साथ तमाम तरक्याती काम के साथ मुकम्मल किया जाएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।